दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू फर्स्ट और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि चैनल पर व्यूज़ क्यों नहीं आते, व्यूज़ जो है लाने के लिए हमें करना क्या होता है। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और पुराने हैं तो लाइक कर देना ताकि आप लोगों को वीडियो हमेशा मिलती रहे टाइम से टाइम। और आप लोग इन बातों का ध्यान रखें कि आपके YouTube चैनल खोलने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नहीं होता, नुकसान क्या होता है, कितना टाइम बर्बाद आपका जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके चैनल पे व्यूज़ क्यों नहीं आते, इसके कई रीज़न हैं। तो आप लोग जो नहीं जानते हो तो वीडियो पूरी देखना, वीडियो पूरी देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा और नहीं देखोगे तो मेरा कुछ नहीं जाता, आपका ही जाता है, आपका समय बर्बाद होगा, आपका YouTube चैनल जो है सक्सेस नहीं होगा। यदि आप उसे बड़े मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं मार्केट में और पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो जो है पूरा देखना ही होगा, ठीक है। YouTube पे आसानी के साथ जाया जा सकता है। YouTube का रास्ता बहुत लोग सोचते होंगे कि यार बड़ा सस्ता है, यानी कि कोई भी वीडियो डालो, उठा लो और डाल दो तो वायरल हो जाएगा, चल जाएगा। तो एक वीडियो से तो वायरल नहीं होगा, ठीक है। आपका चैनल जो है पुराना होना चाहिए, कम से कम 1 से 2 साल पुराना होना चाहिए, तब जाके आपके चैनल पे व्यूज़ आएंगे, ठीक है। और व्यूज़ जब नहीं आते तो इसका ये मतलब होता है कि आपका चैनल जो है फ्रीज हो चुका है। और फ्रीज होने का भी कई कारण होता है। आप जो है अपना ईमेल आईडी कई मोबाइल पे ओपन रखते हैं, जो चैनल यानी जिस चैनल पे आप वीडियो डाल रहे हैं वही जो है उसी मेल आईडी को आप कई जगह यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। वो चैनल, वो ईमेल आईडी सिर्फ आपके ही मोबाइल पे होना चाहिए, ओनली वन, ठीक है, ना कि लैपटॉप पे। लैपटॉप पे भी हो तो चलता है क्योंकि वहाँ से कुछ ज़्यादातर किसी और चीज़ को ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कुछ आपको देखना है तो अलग ईमेल आईडी से देखो, अलग मोबाइल नंबर से देखो, ठीक है, मोबाइल नंबर चेंज करो। आपका अगर वीडियो वायरल नहीं हो रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे तो इसके एक पहला रीज़न बता देता हूँ कि आपका जो वीडियो है, आप जो चैनल ओपन किए हैं वो वीडियो आप खुद देखते होंगे, या तो आपने कहीं ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी से दूसरे मोबाइल नंबर पे, दूसरे मोबाइल पे चालू किया है तो वहाँ से आपकी वीडियो खुद देखी जाती होगी, तो ये कारण हो सकता है। और दूसरा ये है कि आप लोग जो है वीडियो को टाइम से नहीं डालते अपलोड, ठीक है, अपलोड नहीं करते। जैसे 1 हफ्ते डाला वीडियो, फिर उसके बाद छोड़ दिया 4-5 दिन, फिर एक शॉर्ट वीडियो डाला, फिर 1 हफ्ते गैप कर दिया, लॉन्ग वीडियो का 2 हफ्ते हो गया, फिर उसके बाद 2 वीडियो 1 हफ्ते में डाला, फिर अगले हफ्ते में शॉर्ट्स वीडियो डाले, तो इसकी वजह से आपका चैनल नहीं चलता। आप लोगों को यदि YouTube पे लंबे समय तक काम करना है तो YouTube को जो है थोड़ा समझना होगा, YouTube के गाइडलाइंस क्या होते हैं, YouTube वीडियो वायरल कैसे होती है, YouTube पे व्यूज़ कैसे आते हैं, YouTube पे सब्सक्राइबर कैसे मिलेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है।